नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस करें। हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग? होप यू आर डूइंग वेल। तो ये जो ट्रेन चल रहा है, ये ट्रेन चल रहा है भारत का हिमाचल प्रदेश में, और अब हम हिमाचल प्रदेश में हैं और जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मानव भारती यूनिवर्सिटी, जो इसके सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। हम दो लोग हैं, मैं और मेरे जीजा जी, जो आप देख पा रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पे नया हूँ, पहली बारी आया हूँ हिमाचल प्रदेश, लेकिन मेरे जीजा जी वो इसके पहले भी आ चुके थे यही हिमाचल प्रदेश, उसके कुछ एग्ज़ाम या उसके प्रोजेक्ट रिलेटेड काम के लिए। तो हम अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अब इस ट्रेन की बात करते हैं जिस ट्रेन आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये ट्रेन जो है हमारे दिल्ली मुंबई के ट्रेन के कंपैरिजन में, इसकी जो वेट है पटरी का और ट्रेन का भी, इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ा कम है और ट्रेन साइज में भी छोटा है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि शायद ये ट्रेन, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ियों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल रहा है, तो इसका साइज छोटा होने से इसका वज़न भी कम होगा। वज़न कम होने के वजह से हो सकता है इसको ऊपर चढ़ने में आसानी हो। अब आगे आपको जो बिल्डिंग वगैरह दिख रहा है वो इसका रेसिडेंशियल एरिया है। हिमाचल प्रदेश में एक साथ इतने बिल्डिंग सिर्फ आपको टाउन में ही मिलेंगे, वरना यहाँ का होम सेटलमेंट ऐसा है कि आपको बहुत दूर दूर में ही एक बिल्डिंग मिलेंगे। मैंने जितने भी जगह क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे कोई कच्चा मकान नहीं देखा। अब बात करते हैं यहाँ के पहाड़ों का। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन पहाड़ों में उतनी ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन एक्टिविटी तो नहीं है, तो इस हिसाब से ये जंगल थोड़ा घना होना चाहिए था, लेकिन वो घना नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये जो आप भी जो भी पहाड़ देख पा रहे हैं, ये पूरा मिट्टी से कवर नहीं है, इसके बीच बीच में बड़े पत्थर है, तो इसीलिए जहाँ जहाँ मिट्टी है वहीं भी आपको ही पेड़ पौधा मिलेंगे। और इसके आगे एक सुरंग दिखाई दे रहा है, और ये ट्रेन ये सुरंग के बीच में से होके गुजरेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं अंडरग्राउंड टनल। सो हिमाचल प्रदेश में ही भारत के सबसे पहले ऐसे अंडरग्राउंड टनल में ट्रेन चला था। हम उसी अंडरग्राउंड टनल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम सुरंग के अंदर है, चारों तरफ अंधेरा सा गया, मंजर काफ़ी खौफनाक है। और ऐसे सुरंग में अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो वो डर भी जा सकता है। अब हम ट्रेन से उतर गए हैं। अब ट्रेन से उतर के दूसरे ट्रेन के इंतज़ार के बजाय हम लोग एक शॉर्टकट अपना के जाके बस से यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। एक्चुअली मेरे जीजा जी पहले आए हुए थे, तो उसको इस रास्ते के बारे में पता है और नेविगेशन में भी एक्सपर्ट है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ के पहाड़ी, एक्चुअली जैसे आप ये हिमालय के रेंजेस है, जैसे हिमालय के अलग अलग रेंजेस होते हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को शिवालिक भी कहा जाता है। तो ये ग्रेटर हिमालय तो नहीं है, क्योंकि आप पहाड़ियों के बीच में आपको गैप मिलेगा। जो ग्रेटर हिमालय होते हैं वो ऊँचे चट्टान होते हैं और उसमें बीच में गैप नहीं रहता, वो कंटिन्यू रहता है। तो ये या तो मिडिल हिमालय या तो शिवालिक में ही आएगा। यहाँ पे रास्ता तो है, रास्ते से तो आ रहे हैं, रास्ता तो है,
लेकिन हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इस रास्ते में वॉक किया, लेकिन हमें एक भी इंसान नज़र नहीं आए रास्ते में। और ये एरिया काफ़ी कूल है, दिखने में जंगल है, लेकिन आपको इंसान या जानवर की उतने शोर शराबा नहीं मिलेगा। और सो ये शॉर्टकट रास्ते के अंत में एक बिल्डिंग मिला और सामने आइस वाटर से भरा एक कंटेनर मिला और साथ में ही ग्लास है। तो इसका मतलब यह है कि आप इस पानी को पी सकते हैं। तो हमने उसका थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। और आप अगर ऐसे किसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पानी की किल्लत है और उसके आसपास से ट्रैवलर या स्ट्रेंजर गुजरता है, तो आप ऐसे पानी का कंटेनर सामने ग्लास के साथ रख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि जो भी रास्ता है लोगों की आना जाना बहुत कम है, तो फिर भी ये लोग सामने एक पानी का कंटेनर रख दिए थे पीने की पानी, जो ये सोच के कि आना जाना तो कम है लेकिन अगर कोई आए, कोई चाहे तो पी सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पानी का किल्लत होते हैं तो लोग पानी सेव करके अपने घरों में रख देते हैं अपनों लिए, खुद के लिए, क्योंकि पानी का किल्लत है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पानी की किल्लत है, इसी की वजह से पानी हम घर के सामने रख रहे हैं ताकि किसी को किल्लत की वजह से कोई परेशानी ना उठाना पड़े। और मेरे पूरे हिमाचल प्रदेश के जर्नी में यही एक रिमार्केबल चीज़ है जो मेरे जर्नी को ब्यूटीफाई करता है। सो अब हम जाएंगे स्टेशन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सारा आपको बिल्डिंग मिलेंगे, वो भी विथ फुल कंस्ट्रक्शन एंड फुल डिज़ाइन। अभी हम लोग बस पे बैठ गए, यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। आप बस से आप रास्ते के ऊपर जो छोटा छोटा हिल दिख रहा है, इस पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मिट्टी नहीं है, बीच बीच में आपको पत्थर मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये पत्थर है, तो इसीलिए ये जो पहाड़ी इलाका इतना घना नहीं हो पाया, क्योंकि ये पूरा मिट्टी से कवर नहीं है, इस बीच बीच में पत्थर भी है। तो फाइनली हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे मानव भारती यूनिवर्सिटी लिखा है। अभी हम एक कैफेटेरिया में हैं। तो ये यूनिवर्सिटी इतना ऊपर है कि जो रोड है नीचे, उस रोड से यूनिवर्सिटी आने में ही आपको 10 मिनट लग जाएंगे, जाने में ही आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 20-25 मिनट आपको ऊपर आने जाने में ही लग जाएंगे। सो इतना हिली एरिया पे बनाया गया है और यहाँ का सारे एरिया ही हिली है, कहीं पे भी बना लो वो हिली होगा। तो यही था हिमाचल प्रदेश जाने का कुछ शॉर्ट क्लिप्स और आई विश दैट यू हैव एन्जॉयड। सो थैंक यू।